10 अप्रैल को नगर के मध्य एमजी रोड पर एक वर्ग विशेष के युवक ने नर्मदा प्रसाद माली निवासी ननासा की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद अपने वर्ग विशेष साथियों को बुलाकर उसके साथ मारपीट की, जिससे नर्मदा प्रसाद के कंधे की हड्डी टूट गई, जिसका उपचार इंदौर के अस्पताल में चल रहा है। बीच बचाव करने आए कृष्णकांत शर्मा के साथ भी वर्ग विशेष के लोगों ने गाली गलौज की। इस घटना से हिंदू समाज में रोष फैल गया, जिसे लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि वर्ग विशेष के कतिपय लोगों द्वारा जो मारपीट की गई है उनके अवैध अतिक्रमण को तत्काल नष्ट किया जाए। साथ ही हिंदू समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया कि वर्ग विशेष के कुछ लोगों के द्वारा पिछले कई वर्षों से नगर में अवैध गतिविधियां जैसे सट्टा, जुआ, अवैध कब्जा कर अतिक्रमण, धार्मिक स्थलों के आसपास अंडों की दुकानों का संचालन किया जा रहा है, जिसे पुलिस प्रशासन तत्काल बंद कराए तथा अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उन्हें हटाया जाए। हिंदू समाज ने एसडीएम से मांग की है कि 3 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं की गई तो हिंदू समाज को सड़क पर आना पड़ेगा। उधर पुलिस ने बाइक सवार नर्मदा प्रसाद के साथ मारपीट करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। समस्त नगर वासियों और आसपास के गांव के कन्नौज के गाँव से आए थे। 10 तारीख को कुछ हादसा हुआ था, जिस संबंध में लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में अतिक्रमण हटाने स्थायी और चिरस्थायी है, इन सबके बारे में हमने बातचीत की है। उसमें नगर पंचायत हो गया, पुलिस डिस्ट्रिक्ट विभाग का अतिक्रमण या जो पॉइंट्स होंगे उनको नोट पत्र जारी करे जा रहे हैं। साथ ही साथ विधिवत जो कार्रवाई होगी की जाएगी। मामला से जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया और इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? विगत दिनों सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाने वाले आचार्य के साथ में एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के तहत मुस्लिम वर्ग के कुछ लोगों ने उनको घेर के उनके साथ मारापीटी की। उनकी जो पत्नी है उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया और कम से कम उनको आधे घंटे तक वहाँ घटनास्थल पर रोके रखा। उनकी बाइक की चाबी छीन ली, उनका मंगलसूत्र छीन लिया, उनके पास से 20,000 रुपये छीन लिए और उनको इलाज के लिए नहीं जाने दिया। जब समाज के वरिष्ठ लोग समझाने के लिए एकत्रित हुए तो उनके साथ में भी धक्का मुक्की की और जब पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया तो पुलिस प्रशासन को जो कार्रवाई जिन धाराओं के अंतर्गत करना चाहिए था वो नहीं की। उसके साथ मारापीटी की जिसमें उनके बोन की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, वो अभी भी पीड़ित जो है अस्पताल में भर्ती है। हिंदू समाज के माध्यम से आज ये ज्ञापन देकर और लंबे समय से नगर में ये वर्ग विशेष के द्वारा अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, आए दिन ये मारपीट करते हैं, आए दिन खाली जगहों पर अतिक्रमण करते हैं, मंदिरों के आसपास में मांस मछली के ठेले लगाते हैं और हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम लंबे समय से ये लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शहर इनको लंबे समय से चिन्हित कर रहा है। आज हिंदू समुदाय में कहीं ना कहीं ये सब आक्रोश देखने को मिला और एक आंदोलन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराने का काम आज हिंदू समाज ने किया है। प्रशासन के द्वारा हमें 3 दिन का समय दिया गया है कि 3 दिन में जहाँ पे भी इनके अतिक्रमण है उन अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। जो अस्थायी अतिक्रमण है उनको 24 घंटे में हटाकर जो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।